हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटरोला G22 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है नोटिफिकेशन साउंड सेटिंग को आप जो है इनेबल कैसे कर सकते हैं और ये सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन करने के बाद आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर आपको जो है साउंड का ऑप्शन मिलेगा, साउंड पर आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको साउंड के इस पेज में नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर आपको जो है डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड का ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, इसे आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका ये डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड का ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से आपका जो है इसे नोन पे सिलेक्टेड होगा। आपको करना क्या है कि आपको ये नीचे की साइड में काफ़ी सारी नोटिफिकेशन साउंड दे रखे, इनमें से आपको कोई भी एक सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको इसे सबसे नीचे ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो नोटिफिकेशन साउंड सेटिंग है आपकी इनेबल हो चुकी है। अभी इनेबल होने के बाद काम कैसे करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपके मोबाइल फ़ोन पे कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है एक साउंड क्रिएट करेगा, नोटिफिकेशन साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपने साउंड जो है सिलेक्ट किया होगा उसी साउंड में आपका जो है आवाज़ आएगी, ठीक है। साउंड क्रिएट होगा उसी नोटिफिकेशन साउंड में। तो ये जो है जब भी जितनी बार आपके मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन आएगा उतनी बार जो है साउंड क्रिएट करेगा उसी साउंड में, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किया है। अब मैं आपको जो है इस सेटिंग को ढूंढने का जो है एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको जो है करना क्या है कि सेटिंग पेज ओपन करना है और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, सर्च सेटिंग, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो है सर्च बार में टाइप करना है नोटिफिकेशन साउंड। नोटिफिकेशन साउंड आप टाइप करेंगे तो नीचे की साइड में ये नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन देख रहे हैं, इसे आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जो है होगा क्या कि आपका मोबाइल फ़ोन आपको जो है शॉर्टकट तरीके से इस सेटिंग में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को जो है हाईलाइट करके दिखाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है आपके मोबाइल फ़ोन में इस सेटिंग को ढूंढने का।